कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर भरोसा कर पाना बेहद मुश्किल काम होता है। ऐसी ही एक सच्चाई पड़ोसी देश चीन से भी सामने आई है। चीन में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें हैरान करने वाली बात ये है कि इन जुड़वा बच्चों के दो अलग अलग पिता हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, चीन के डॉक्टर भी इस बात से हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इस बात का जवाब तो साइंस के पास है, लेकिन इस घटना ने उस महिला के अवैध संबंधों की पोल उसके पति के सामने खोल कर रख दी है। चीन में हुए इस वाक्य ने दुनिया भर में सभी को हैरान कर रखा है। इसका खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर्स ने नवजात बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया। जब उन दोनों की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर्स हैरान रह गए। महिला के जुड़वा बच्चों के दो अलग अलग बाप निकले। इस बात का पता जब महिला के पति को चला तो वह भी सुन रह गया। उस शख्स ने कहा कि उसे कभी पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और से भी हैं। आखिर ये कैसे हुआ, इसका जवाब भी आप जरा समझ लीजिए। ट्विंस बच्चों के टेस्ट करने वाले डॉक्टर डेंग यंजू के मुताबिक इस तरह के मामले 1 करोड़ में एक ही बार सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि जब महिला 1 महीने में 2 अंडे रिलीज करती है, उसके बाद कम समय में ही 2 लोगों के साथ संबंध बना लेती है। ऐसे में दोनों अंडे अलग अलग स्पर्म्स के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन में महिला जुड़वे बच्चों को जन्म तो देती है, लेकिन उनके अलग अलग पिता हो सकते हैं। इसे हेट्रोपेटर्नल सुपर फेकंडेशन केसेस कहते हैं। आपको बता दें कि चीन में ये नियम है कि जब भी किसी आर्मी के जवान के घर पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के जन्म के साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डीएनए टेस्ट कराना जरूरी होता है। इस मामले में भी नवजात बच्चे का डीएनए किया गया था, इसी से ये खुलासा हुआ। अब पीड़ित पति ने अपनी धोखेबाज पत्नी पर केस करने का निर्णय लिया है। पति का कहना है कि उसे अपनी पत्नी के अवैध संबंधों की जानकारी नहीं थी। अपने तरह के इस अनोखे मामले पर अब दुनिया भर की नजर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।